तो हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग जी, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप सभी का? हम सब बहुत ज्यादा बढ़िया। नहीं है भाई साहब, टाइम हो चुका है, सुबह के 1:30 बज चुके हैं। और जब रात को मेरे को जगह मिली थी ना, माँ के समय इतना ज्यादा खुश था कि आज की नींद ना मतलब चैन के साथ सोएंगे, सुबह उठेंगे। बट यार, रात को ना जागरण वालों ने अपना स्पीकर लगा लिया बिल्कुल कान के पास, मैंने बताया था ना पिछले ब्लॉग में। और माँ कसम, अगर मैं सुबह तक वहां पे रहता शायद मैं पागल हो जाता। इतनी ज्यादा आवाज थी ना हॉल में। और आर्ष भाई तो रात को ही निकल गया, क्योंकि उसके बाद टेंट था। उसने मेरे को बोला भी कि टेंट में चलते हैं, मतलब कहीं आगे पीछे। तो बट मैंने सोचा यार मतलब स्पीकर बंद हो जाएगा। बाद में स्पीकर बंद हुआ ही नहीं, फिर मैं खामो खां उठ के आ गया। अभी 1:30 बजा हुआ है और 4 बजे यहाँ पे होली का दहन होने वाला है। अभी 3-4 घंटे बचे हुए हैं और मेरे को लग रहा था मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे आके देखा पूरा मेला लगा हुआ है। ठीक है भाई साहब, सुबह सुबह क्या चल रहा है यहाँ पे मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। आज का दिन शुरू करते हैं लेके कान्हा जी का नाम। जय हो कान्हा जी की। तो जो हम फेस्टिवल देखने के लिए आए ना, होली का दहन, इसे कैप्चर करने के लिए नेशनल जियोग्राफी के कम से कम 50 मेंबर है भाई साहब उनकी टीम। इतनी बड़ी टीम होती है जो हम देखते हैं ना नेशनल जियोग्राफी पे, वो कम से कम एक एक सीन 50 बंदों ने लिया होता है। अभी यहाँ पे हर जगह कैमरे ड्रोन ही ड्रोन है। पहले मेरे को लग रहा था छोटा मोटा फेस्टिवल होता होगा, मतलब हम लोग ही जा रहे हैं, बट यहाँ तो भाई विदेशों से लोग आ रखे हैं। और यहाँ आपको बताया ना, आंटी जी ने मेरे को बोला था रात को कि अगर आपको खाट नहीं मिले, सोना हो तो हमारे घर आ जाना। अभी मैं गया था वहाँ पे, रास्ते में देखा यहाँ पे मेरे को खाट लगानी थी ना, अभी वहाँ पे कोई पोटी कर रहा था, फिर मैं रास्ते से वापस आ गया। और अभी मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि वो पंडित लोग होते हैं ना, वो जल्दी हुई आग से निकलने वाले हैं। और वो कैसे निकलेंगे, क्यों नहीं जलेंगे, वो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको जल्दी मिलने वाले हैं 4:30 बजे। एंड मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ आसपास क्या चल रहा है, कैसे लोग सो रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं पागलों की तरह, क्योंकि पूरी रात जो सोए नहीं होंगे मेरी तरह वो पागल ही हो रखे होंगे। हम और वो सामने आपको दिख रहा है ना नेशनल जियोग्राफी वाले, सुबह सुबह शुरू हो चुके हैं। और एक चीज बताऊं, जो आप देखते हो ना वो सारा स्क्रिप्टेड होता है। जो यहाँ के लोकल भैया जी है ना, इनको पहले समझाया जा रहा है कि आपको जे बोलना है, मतलब जो हम क्वेश्चन करेंगे ना आपको जे आंसर देने हैं, मतलब सारा स्क्रिप्टेड होता है। और फ्यूचर में नेशनल जियोग्राफी पे अगर आप जे देखते हो ना, तो सोच लेना कि मैं भी यहीं पे घूम रहा हूँ आसपास। तो अभी दोस्तों टाइम हो चुका है सुबह के 4 बज चुके हैं, पूरे 1 बजे आया था, 4 घंटे हो चुके हैं मेरे को आगे पीछे भटकते हुए। एंड अभी भी आधा घंटा बचा हुआ है। एंड देखो यार कितनी सॉरी यहाँ पे, मतलब श्रद्धालु जनता जो भी आप बोल सकते हो ना, वो सारे आ चुके हैं। एंड जितने भी शॉट है ना सारे कवर हो चुके हैं। और अभी मेरे को वो वाला सीन देखना है जब वो पंडा जी इस जल्दी हुई आग से निकलेंगे। एंड मैं ना बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, मेरे को पता चला है कि इस साइड से निकलेंगे वो। बट यार मुझे अभी पता चला कि इसकी हीट बहुत ज्यादा होने वाली है, मतलब यहाँ से कम हमें दूर ही भागना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे कांटे हैं ना, वो एक साथ जलेंगे ना, एंड मंदिर की जितनी इसकी लपटें निकलने वाली है। देखो यार मुझे नहीं पता कैमरे में रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, बट मैंने उनको शौक शात अग्नि में कूदते हुए देखा। इतनी ज्यादा आग थी, अब तो कम हो चुकी है, बहुत साइड से आए और एक ही श्लांग में उन्होंने पूरी अग्नि क्रॉस कर ली। सच में यार मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए, इसे बोलते हैं भक्ति की शक्ति। ओ माई गॉड, जी मैंने क्या देखा, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, बट सच्ची यार मैं तो धन्य हो गया चीज देख। अभी ना अग्नि थोड़ी बहुत कम हो चुकी है, पहले ना बहुत ज्यादा थी। और यार मेरा नंबर ना काफी पीछे था, इसलिए मेरे को पता नहीं चला कि कैमरे में रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, बट मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत तो हुआ होगा। बट मैंने उनको अपनी आंखों से देखा कूदते हुए, एक ही श्लॉन्ग में उन्होंने ये अग्नि पूरी क्रॉस कर ली। यार हे भगवान, मैंने सोचा ये अग्नि थोड़ी बहुत कम होंगी, वो बाद में आएंगे, बट वो इतनी जल्दी आए, इतनी तेज अग्नि में जल्दे जल्दे। सच में यार, ओ भाई 5 घंटे मैंने पूरा वेट करा है, सुबह के 5 बज चुके हैं, बट अभी मुझे लग रहा है कि सच में मैंने कुछ देखा है। अभी दोस्तों मैंने इसकी एक परिक्रमा करी है, मुझे लग रहा है मेरे आधे बाल तो जल चुके हैं साइड से सारे,
और भाई साहब क्या सीन था यार, दिल को छू लेने वाला सीन था। एंड 5 घंटे हमने इसका वेट करा है। एक कितने बजे आया तुम? मैं तो अभी आया हूँ, 1 घंटा। मैं 1 बजे आ गया, मतलब भूत वाले सपने आए, क्योंकि वहाँ पे ना ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए मेरे को भूत वाले सपने आए, मैं इधर आ गया। एंड जो मेरे 5 घंटे बाद एपिक मूवमेंट मिली है ना, माँ के समय दिल खुश हो गया। एंड मैंने अभी प्रॉमिस करा अपने आप से कि नेक्स्ट ईयर में मैं पक्का आऊंगा ये देखने के लिए, सही है ना? मैं भी आऊंगा। बाकी वाला पता नहीं वृंदावन घूमू या ना घूमू, वो तो कान्हा जी ने बुलाया होगा फिर ही आप आएंगे, पर ये वाला मैं अपनी मतलब पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ये वाला सीन देखने के लिए आऊं। और सच्ची यार, इस पता नहीं था पहले हमें क्या क्या मतलब सेरेमनी होने वाली है, अभी पूरा पता है। पंडा जी आते हैं और मैं वेट कर रहा था कि आग अग्नि मतलब बिल्कुल शांत होगी तब निकलेंगे, भाई जल्दी आग में निकले, वो जल्दी आग में निकले। ओ भगवान जी, मैंने क्या देखा यार। ठीक है, एनीवे परिक्रमा ले ली, ले ले तू भी एक, मैं भी लेता भाई, बाल बजा के थोड़ा दूर से लियो। तो हम मिले अपने भाई ऐसे बोल सकते हैं अपने सब्सक्राइबर से, क्योंकि भाई पहले हमें देखता था, अब हम भाई को देखते हैं यार। मैं भी देखता हूँ भाई को, जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है ना, मतलब जो लंबे ब्लॉग नहीं देख सकते ऑफिस टाइम की वजह से, भाई का आप शॉर्ट ब्लॉग देख सकते हो, 1 मिनट का होता है, बट यार भाई की आवाज है ना दिल जीत लेगी। भाई बताओ कुछ। तो यार मेरे को याद है 1.5-2 साल पहले ना अंकुश भाई के वीडियोस में जम के देखता था, नॉर्थ ईस्ट वाली पूरी सीरीज देखी है, और अपना जब गाड़ी लिया भाई ने वो पूरा देखा है, आईफोन लिया था तब भी देखा ना, मतलब मैंने पूरी जर्नी देखी है भाई की। और बस भाई वो उन कुछ लोगों में से एक थे जिनको देख के मेरा नॉर्थ ईस्ट जाने का मन किया था, और फिर मैं नॉर्थ ईस्ट गया था, वहाँ से मैंने अपनी ब्लॉगिंग जर्नी शुरू करी, और आज मेरा एक सपना पूरा हो गया यार अंकुश भाई के साथ ब्लॉग में आने। अभी मैं इनका फैन हूँ भाई साहब, क्योंकि मैं इनकी आवाज़ का फैन हूँ यार। एंड बहुत ज्यादा मतलब काफी मतलब कई बार होता है हमारे पास टाइम नहीं होता, भाई चैनल का नाम क्या है? हिंद सागर। वहाँ पे आपको पूरे शॉट मिल जाएंगे, और मस्त वाले यार, क्या शॉट होंगे, मैं खुद देखता हूँ। एंड चेक करना आप भी, एंड भाई को भी सपोर्ट करना, भाई भाई मेरी तरह घूम रहा है पूरी इंडिया, सुबह बेचारा मेरी तरह ही उठा है, 1-2 बजे उठा है। ट्रैवलर्स की आपको लाइफ पता है, सही है। तो चलते हैं भाई, फिर मिलेंगे, हम तो मिलते रहेंगे यार, चलते चलते। अरे गाँव से निकलने का, गाँव से बाहर जाने का रास्ता कौन सा है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, ये पढ़े लिखे ना है, रास्ता तो इन्हें सारा बता गाऊंगा। अभी दोस्तों होली खेलने के बाद हम वापस निकल चुके हैं द्वारकाधीश की तरफ, क्योंकि आज भी होली है। एक तो यार दो दो दिन ना आजकल त्योहार आ रहे हैं, 7 तारीख को भी होली थी, 8 तारीख को भी होली, अभी मुझे पता नहीं चल रहा मेन वाली होली कौन सी है। वैसे मैंने आपको कल भी हैप्पी होली बोला, तो आज भी हैप्पी होली बोल ही देते हैं। एंड वापस तो जा रहा हूँ भाई, सोया नहीं हूँ माँ कसम पूरी रात, क्योंकि मैंने बोला था ना 5-10 मिनट सोया होगा, वो भी मेरे को भूत वाले सपने आने शुरू हो गए, उसके बाद तो मैं डर ही गया सच्ची। अभी मेरे को ना झटके लग रहे हैं, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना, तो मुझे नहीं लगता मैं द्वारकाधीश जाके होली खेल पाऊंगा, बट दर्शन कर लूंगा भगवान कृष्ण जी के, एंड देन फिर सो जाऊंगा मैं, एंड शाम को ट्रेन है फिर ही निकलूंगा। अभी यहाँ पे चाय शाय पीने के लिए आए हैं, थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं, गेटा फिर निकलते हैं। अभी बहुत ठंडा हाईवे पे यार, तो भाई सब टाइम हो चुका है सुबह के 7:30। मुझे लग रहा है आज की रात ना सबसे लंबी वाली रात थी, क्योंकि मैं उठा था रात को 12:30-1 बजे उठा था, और यहाँ आने के बाद मैंने चाय ऑर्डर करी, और जैसे ही मेरे को खार दिखी ना वैसे मैं सो गया। अब जाके उठाऊ पूरा 1.5 घंटे के बाद, अब टेंशन नहीं है, शाम के 4 बजे तक द्वारकाधीश में जाके ना होली खेलेंगे, क्योंकि भाई होली है, साल के बाद आएगी, पता नहीं साल के बाद हम कहाँ पे होंगे, तो आज का दिन है, होली खेलते हैं जम के, एंड आपको दर्शन करवाते हैं द्वारकाधीश के, कान्हा जी के। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कान्हा जी की नगरी मथुरा में। वापिस आप मथुरा पहुंच चुके हैं, मैंने बोल के गया था मैं 2 दिन पहले कि वापिस आएंगे जल्दी, बट ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी कान्हा जी हमें बुला लेंगे। अभी 5 मिनट हुए थे, फिर से नहला दिया मेरे को, पत्थर वो कैसी होली है पत्थर वाली? नहीं यार पत्थर लग गया मुझे तेरे को। और यहाँ पे पता क्या चल रहा है, लोग ना अपने घरों से ऊपर से पानी फेंक रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि मैं ना कोई परमाणु विस्फोट से बच रहा हूँ आज। बचने का कोई फायदा नहीं है, नहाना तो पड़ेगा, 2-3 दिन बार नहाना पड़ेगा। चलो यार अभी ना कोई टेंशन नहीं है, जो मर्जी कल्ला लगाते रहे, क्योंकि अभी एक बार नहा लिया है, और मुझे लग रहा है किसी ने ना पक्का वाला कलर लगा दिया, अभी निकलेगा भी नहीं, पर ठीक है अभी हम भी जम के होली खेल लेते हैं। तो
अभी दोस्तों द्वारकाधीश के मंदिर में पूरे दो घंटे होली खेली है भाई, पूरे दो घंटे होली खेली है, मजा आ गया सच्ची यार। बट यार काफी ज्यादा रंग ना मैंने खा भी लिया है और जो काम करने के लिए आया था ना वो हुआ ही नहीं है, भगवान जी का दर्शन मेरे को हुए नहीं है, बड़ा शांत बैठा हुआ है और भगवान जी के दर्शन मेरे को हुए नहीं यार। मैं ना होली खेलते रह गया और लास्ट के 15 सेकंड बचे हुए थे तब मैं गया, जांग जांग के देख भी रहा था बट इतने में कबाड़ बंद हो गया। अभी कबाड़ खुलेंगे शाम के 3:30 बजे। मुझे लग रहा है मैंने ना एक छोटा सा पाप कर रहा था, उसी की सजा मेरे को मिली है तभी मेरे को दर्शन नहीं हुए हैं। एनीवे कोई नहीं, शाम को फिर से आएंगे अगर भगवान जी ने बुलाया होगा तो। और इतना सारा कलर खा लिया ना, गला ऐसे कर रहा है, खड़र खड़र की आवाज करे जा रहा है, ये बड़ा सैड हो गया भैया। भाई क्या हो गया, कौन छोड़ गया, भाई की बंदी छोड़ गई यार। अरे चिल्ला मत, कैसी हो रहा। आ जा बेटा, नहीं नहीं अरे मत करो, कौन मेरे को कटवाएगा भाई। अरे वो एक और काटेगा, हमको भी काटेगा। हैप्पी होली, ए राधे राधे। ओ वाओ थैंक यू, हैप्पी होली हैप्पी होली। ओ खाली है, ले लो ले, हैप्पी होली। दो दो केसरी कलर हो गया भाई, केसरी मस्त लग रहा है अभी। लो भाई होली तो खेल लिया हमने, बट अभी ना कोई ढाबा नहीं मिल रहा सुबह से, मतलब भगवान की भक्ति में इतना झूम रहे हैं कि पता नहीं चला कि भूख लगी है। अभी लगी पता चला, बहुत भूख लगी है सच्ची यार। एंड अपना बच्चू ढाबा भी आज बंद ही है, गन्ने का जूस भी नहीं मिलेगा भाई, देख रहे हो होली में बस गुलाल मिलेगा। ठीक है फिर, राधे राधे। देवी और देवताओं फाइनली 3 घंटे हमने गुरुद्वारे में रेस्ट कर लिया भाई साहब। मैं तो सोया ही नहीं यार, नींद ही नहीं आती मेरे को दिन को, बट पाजी ना पूरे 3 घंटे सो लिया है। एक नंबर फाइव, मतलब मैं गला खराब है ना यार, जब से मैंने होली खेली है ना वहाँ पे रंग इतना ज्यादा अंदर चला गया मेरा गला और अंदर, मतलब छाती पता कैसे हो गया, स्कूटर होते ना पुराने वाले खटर खटर करते हैं, सेम वैसी वाली आवाज आ रही है मेरी छाती से। मुझे लग रहा है घर जाके ना वो पानी के गरारे करने पड़ेंगे, क्या बोलते हैं नमक डाल के, यहाँ पे तो पानी ऑलरेडी नमकीन ही है। तो ठीक है अभी हम जा रहे हैं एटीएम, क्योंकि शाम को 8:30 बजे मेरी ट्रेन है फाइनली। कान्हा जी की नगरी को छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा, बट क्या बता इस बार मैं जे नहीं बोल के जाऊंगा कि मैं फिर आऊंगा, मतलब कान्हा जी की मर्जी होती है ना, क्या बता एक हफ्ते बाद मेरे को फिर से बुला। आज यूपी आपको थोड़ा खाली खाली नजर आ रहा होगा, पता क्यों, आज हॉलीडे है एंड बड़े गिने चुने गाड़ियां चल रही है। बस यार ऐसी गाड़ियां होनी चाहिए, मतलब इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए अपने भारत में, फिर माँ कसम घूमने का मजा आ जाता है। कल देखना हॉलीडे जैसे खत्म होगा ना, ओ भाई यहाँ पे चलोगे ना ऐसे चार चार आंखें करनी पड़ती है कि कौन सा बंदा कहाँ से ठोके चलाया। तो टाइम हो चुका है मथुरा को गुड बाय बोलने का और कान्हा जी से हम यही प्रार्थना करेंगे, कान्हा जी हमें जल्दी बुलाना और आपको भी जल्दी बुलाए कान्हा जी। एंड यार घर जाने की खुशी, ओ माई गॉड यार बड़े टाइम के बाद घर जा रहा हूँ, कम से कम मेरे को 25 डेज हो चुके हैं एंड फाइनली 2-3 दिनों के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि जिंदगी बड़ी शॉर्ट है एंड मेरे को सारा घूमना है घूमना ही घूमना है। ठीक है अभी तो यही पे है, स्टेशन पे जा रहा हूँ, ट्रेन है 8:30 बजे की, तब तक भाई थोड़ा खा पी लेते हैं क्योंकि भूखे जाते हैं ना तो भूखे रह जाते हैं, कुछ ऐसा ही है ना बुजुर्गों ने सही बोला है। चलो भाई गुरुद्वारे में रह के मजा आ गया सच्ची। मेरी मानो अगर आप बजट में घूमोगे ना तो गुरुद्वारे आ जाना, यहाँ पे फायदा पता क्या है, शांति है यार शांति। और ये बिल्कुल बगल में है श्री कृष्ण भगवान जी की जन्मभूमि के आसपास, यहाँ से आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर होगा। आजकल भाई प्यास ज्यादा ही लगना शुरू हो चुकी है, चलते हैं यार घर चलते हैं आज।